फ्यूल प्राइस डीजल पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर को लेके हमेशा से ही एक गंदी पॉलिटिक्स चलती आई है। हर एक नई सरकार सत्ता में आने से पहले डीजल पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर को लेके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देती रहती है। खैर ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही है स्टेटमेंट देना, मगर इसी बीच कुछ नमूने भी निकल के आते हैं जो पेट्रोल के प्राइस को लेके ना जाने अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हैं, जिनको सुनने के बाद में आप कहेंगे है भाई सही में इतने रुपए लीटर पेट्रोल मिलने वाला था क्या हमको। हाँ मैं बात कर रहा हूँ रामदेव बाबा जी की। 2014 के इलेक्शन से पहले उन्होंने बीजेपी के सपोर्ट में एक न्यूज चैनल पर जाके साफ साफ कहा पब्लिक के सामने कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा आप लोगों को। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शॉकिंग है ना सुनने में। शॉकिंग लगा वो बहुत ज्यादा है। तो भाई क्या कह रहे हो 35 रुपए लीटर पेट्रोल? जी हाँ 35 रुपए लीटर पेट्रोल। ये वीडियो क्लिप है इसको जरा ध्यान से देखिएगा बाबा जी क्या कह रहे हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? जैसा कि आपने खुद ही बाबा जी से सुना, बाबा जी 35 रुपए लीटर, जी हाँ 35 रुपीज लीटर पर लीटर पेट्रोल देने की बात कर रहे हैं। वाह बाबा जी आप तो सही खेल गए बाबा जी, 35 रुपए लीटर पेट्रोल। हम समझ रहे हो ना? तो एकदम ही खुश और से पागल होते हैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल यार, सही है यार। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। शायद बाबा जी भूल गए थे यार कि पेट्रोल जो है ना पतंजलि कंपनी नहीं बनाती है, वरना कुछ भी अनाप शनाप नहीं बक देते यार। कुछ भी पेट्रोल प्राइस को लेकर 35 रुपए लेके पेट्रोल मिलेगा तुम लोगों को। मुझे तो लग रहा है मोदी जी के बीच में और बाबा जी के बीच में एक कन्वर्सेशन हुई होगी कि रामदेव तुमने देखा ना 35 रुपए बोल दियो, ठीक है मोदी जी 35 रुपए बोल दूंगा और यार बीजेपी की सरकार में आप सबको मिलेगी 35 रुपए लीटर पेट्रोल। तो वोट दोगे ना? हम भी बोलने लगे हाँ वोट देंगे। और जब इनसे पूछा गया कि बाबा जी पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है, 35 रुपए लीटर तो छोड़िए कम से कम जो 70 मिल रहा था वो भी 100 हो गया है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग कमाई बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी साले तभी मेरे माफ करना गुस्से में। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कुछ, तो जो भी पूछा उसका उत्तर दो। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी? अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना, स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बड़ी शनाफत है, इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए तू किसी सभ्य माँ बाप की औलाद हो। जैसे ही हमने वीडियो क्लिप में देखा जब बाबा जी से सवाल पूछा गया पेट्रोल प्राइस को लेकर, तो बाबा जी कहने लगे कर ले जो करना है, मैंने कहा था के कर लेगा तू, इसी लाइन में बोल रहे थे के कर लेगा तू। भाई तू यार सन्यासी आदमी है, ऐसी बातें सुबह देती है के कर लेगा तू, कि बोलने की तमीज होती है? तेज अच्छा तो छोटा बच्चा है 5 साल, वो भी जानता है कैसे बोला जाता है, वो भी आप करके बोलता है। और बाबा जी कुछ शर्म करो, के कर लेगा तू ऐसे कौन बोलता है? माना कि पेट्रोल नहीं दे सकते 35 रुपए लीटर, कुछ भी बोल दिया मान लो अपनी गलती, लेकिन आप कह रहे हो के कर लेगा तू एक न्यूज रिपोर्टर को? अबे वो तुम्हारी लुंगी निकाल लेगा अगर चाहे तो, बढ़िया से तुम्हारी पोल खोल कर देगा, हल्के मत लेना तुम न्यूज रिपोर्टरों को, बात एकदम ही होती है। एक वीडियो के लिए बहुत बच्चे उसको देखिए। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो
कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा ऐसी अपेक्षा है। देखो भाई ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है पेट्रोल प्राइस के स्टेटमेंट को लेके कि बाबा जी को जो स्टेटमेंट देना था पेट्रोल प्राइस के लिए वो तो दे दिए, वो तो बोल दिए फ्रीगा मोटा 35 रुपए लीटर मिलेगा, नहीं मिल रहा ना 100 रुपए लीटर मिल रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि बाबा जी ने 140 करोड़ लोगों का चूतिया काट दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।